Welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 4 of class 6, Basic Geometrical Ideas, exercise 4.1. Question number 4. How many lines can pass through a given point? अगर हमें कोई एक गिवन पॉइंट है, एक पॉइंट गिवन है, तो उस पॉइंट से हम कितनी लाइन बना सकते हैं? सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है और हमें इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? एक लाइन हमने ये बना दी इधर जाती हुई, ऐसे ही एक हम इधर भी बना सकते हैं, इधर जा रही है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक हम यहाँ के लिए बना देंगे, एक यहाँ बना देंगे, एक यहाँ बना देंगे, एंड इनके बीच में भी हम और बहुत सारी लाइन बना सकते हैं। सपोज हमने यहाँ बना दी, यहाँ पे हमने इसके बीच से दो लाइन बना दी, ये सब हमारी एक ही पॉइंट से पास हो रही है, बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है एंड सब उसी से स्टार्ट हो रही है एंड ये हमारी बहुत सारी लाइन बन रही है। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट गिवन है हमारे पास, तो उससे हम कितनी लाइनें बना सकते हैं? उससे हम बहुत सारी लाइन बना सकते हैं, इवन इतनी लाइन बना सकते हैं कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? काउंटलेस। एक गिवन पॉइंट से हम इतनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं कि उन लाइंस को हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमारे लिए काउंट करना इजी नहीं होगा। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, टू गिवन पॉइंट। अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स गिवन है तो हम उन पॉइंट से कितनी लाइन बना सकते हैं? सपोज हमें दो पॉइंट्स गिवन है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन दोनों पॉइंट से हम कितनी लाइन बना सकते हैं जो कि इन दोनों से पास हो? एक लाइन तो हमने सिंपल ऐसे करके बना दी, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया। उसके अलावा अगर हम कोई और लाइन बनाना चाहें, सपोज हम इधर बना रहे हैं, दूसरे पॉइंट से हम ऐसे करके बना दिया, ये एक पॉइंट से तो हमारी पास हो रही है लेकिन ये दूसरे पॉइंट से पास नहीं हो रही है। ऐसे ही अगर हम इधर वाले पॉइंट पे कोई लाइन बनाएंगे तो वो इधर वाले पॉइंट पे पास होगी, इधर वाले पॉइंट से पास नहीं होगी। लेकिन हमें कैसी लाइन बनानी है जो कि हमारे इधर और इधर, जो हमें दो पॉइंट्स हैं गिवन है पॉइंट्स, उन दोनों पॉइंट्स को पास करते हुए जाए? तो ऐसे सिर्फ हम एक लाइन बना सकते हैं, ओनली वन लाइन। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? ओनली वन लाइन। सो क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सूटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हमें इनको रीड करना है एंड इसके लिए एक हमें रफली फिगर बनानी है एंड ये जो पॉइंट्स इस पे मेंशन है हमें वो पॉइंट्स उस पे मेंशन करने हैं। फर्स्ट इसमें पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन ए बी, ए बी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट पी होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को हम नाम दे देंगे ए बी एंड इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी हमारा पॉइंट पी हो सकता है, सो यहाँ पे लगा देंगे हम पॉइंट पी, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ए बी लाइन बनाई है हमने, पॉइंट पी उसके ऊपर लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट पी जो है ये ए बी लाइन के ऊपर है। नेक्स्ट है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। एक्स वाई और पी क्यू दो लाइन है, ये दोनों एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स वाई लाइन बनाएंगे, ये हो जाएगी एक्स वाई। ऐसे ही अब हम कोई और लाइन बनाएंगे जो इस लाइन से, इस लाइन के ऊपर से पास हो रही होगी। सपोज हमने यहां पे बना दी है पी क्यू लाइन, ये हो जाएगा पी क्यू। अब जहां पे इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कट करा है वो पॉइंट होगा हमारा एम पॉइंट। यहाँ पे ये इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कट करा है, ये हो जाएगा एम पॉइंट। एक्स वाई लाइन ने पी क्यू लाइन को एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कराई, ये एक्स वाई हो गई, इसके ऊपर पी क्यू आ गई एंड इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ काटा, एम पॉइंट पर। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट, लाइन एल कंटेन्स ई एफ बट नॉट डी। एक हमारे पास लाइन है, इस लाइन का नाम है एल, इस लाइन पे हमारी ई और एफ दो पॉइंट आ रहे हैं। सपोज यहाँ पे ई पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे एफ पॉइंट आ जाएगा, लेकिन जो ये डी पॉइंट है ये इस लाइन पे नहीं है, इस लाइन के ऊपर नहीं है, इसका मतलब आसपास इधर उधर कहीं भी हो सकता है। सपोज हम यहीं पे ले लें, थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे डी पॉइंट बन जाएगा, यहाँ ले सकते हैं, नीचे इधर ले सकते हैं, इसके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हैं हम, लेकिन ये जो डी पॉइंट है ये लाइन के ऊपर नहीं आएगा। लाइन के ऊपर कौन कौन से पॉइंट होंगे, ई एंड एफ, तो इस फिगर ने क्या शो करा है, एल लाइन पर हमारे ई और एफ पॉइंट है लेकिन डी पॉइंट हमारा लाइन पर
नहीं है। नेक्स्ट है ओ पी, लाइन ओ पी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट पॉइंट ओ। एक ओ पी लाइन बनाएंगे हम, एक ओ लाइन बनाएंगे, ओ क्यू लाइन बनाएंगे एंड ये दोनों एक दूसरे से एक जगह पॉइंट ओ पर मिलेंगी। सपोज हमने ये ओ, ये हो जाएगी हमारी ओ पी लाइन एंड दूसरी हमें ओ क्यू लाइन बनानी है। ओ क्यू बनानी है दैट मीन्स कि वो इसी ओ से होते हुए गुजरेगी, यहीं से आगे मिलनी है वो दोनों लाइनें, तो वो जो हमारी ओ क्यू लाइन है वो यहीं से स्टार्ट होगी। यहाँ से ऐसे करके बना देंगे हम ओ क्यू लाइन, ये हो जाएगा ओ एंड यहाँ आ जाएगा हमारा क्यू। ओ पी लाइन बन गई, ओ क्यू लाइन बन गई, दोनों एक दूसरे से कहाँ मिली है पॉइंट ओ पर। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5।